अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड एट होम। लेट्स बिगिन विद आवर मैथ्स क्लास। आई होप आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली होगी और डेफिनेशंस भी लर्न कर ली होंगी। आज हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगे मैट्रिक में जो आपने मैथ्स की पीटीपी का कोर्स पढ़ना है उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड है और आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप लोग 8th क्लास में लर्न करेंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑन सेट जो है, इसके ऑपरेशंस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे इस बुक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने 7th में भी पीटीबी का सिलेबस नहीं पढ़ा था। तो अब हम पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हैं इनकी ऑपरेशंस की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद जो यहाँ बुक के अंदर लॉज बताए हुए हैं उसके बाद हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होंगे, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, हमने 3 ऑपरेशंस पढ़ने हैं सेट्स के ऊपर। ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हम लोग नंबर्स पे ऑपरेट करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब सेट्स में हमारे पास 3 ऑपरेशन हैं। सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ, इसको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड नन ऑफ द एलिमेंट इज रिपीटेड। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन। दिस साइन, ये साइन यू की तरह से लगता है, ऊपर से थोड़ा सा एक्सपेंड करें और ये थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ठीक है। और इसको हम लोग रीड करेंगे ए यूनियन बी की, इस तरह से इसको रीड करेंगे, ठीक है। यूनियन बेसिकली है क्या, दो सेट्स की यूनियन होती है अगर हम लोग दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दें एक सेट के फॉर्म में, ठीक है, और उनमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। एग्जांपल में आते हैं, सबसे पहले दो सेट्स दिए हुए हैं, ए इक्वल्स टू दिस, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट दे दिया है, उसके एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब ए यूनियन बी इक्वल्स टू फर्स्ट सेट लिखा, देन यूनियन साइन एंड देन सेकेंड सेट। जिस तरतीब से आपने इस तरफ लिखना है सेट्स को, उसी तरतीब से आपने यहाँ उन सेट्स को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने ए सेट लिख दिया, फिर यूनियन साइन एंड देन मैंने बी सेट लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट की फॉर्म में लिख दिया और ये हमारे पास आ गई ए यूनियन बी। यूनियन का मीनिंग से ही पता चल जाता है कि हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एक्स एक सेट दे दिया, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। सिमिलरली एक वाई सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक्स यूनियन वाई लेने के लिए पहले हमने एक्स सेट लिखा, देन यूनियन साइन पुट किया, देन वाई सेट लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है इस सेट में और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा 1, उसके बाद 2, एक दफ़ा ही लिखना है, हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन में से ही पता चल रहा है कि हमने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद 4 आया, 4 इस सेट में भी है और इसमें भी है, ठीक है। 4 को भी एक दफ़ा लिखा और 6 लिख दिया, ठीक है। सभी एलिमेंट्स लिख दिए एक एक बार, ठीक है, जो रिपीट हो रहे थे उनको एक एक बार, और बाकी जो थे वो एज इट इज़ लिखे, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको यूनियन की, इसमें सिर्फ हमने इकट्ठा करके लिखना है सेट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। इन शॉर्ट द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा यू जैसा साइन, जैसे यूनियन का साइन था उसको हमने अपसाइड डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन का साइन, इसको इससे इंटरसेक्शन को इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन में हम लोग सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते थे, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो ए में भी है और बी में भी है। डेफिनेशन ये कह रही है ना कि सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। एग्जाम्पल देखो, सेट ए दे दिया, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और सेट बी दे दिया है, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। अगर हम लोग इन दोनों की इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन बी, पहले लिखा ए सेट, देन इंटरसेक्शन साइन एंड देन बी सेट लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसमें 1 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 इन दोनों में नहीं है और 6 भी दोनों में नहीं है, तो
ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो सेट आया उसमें सिर्फ टू है, क्योंकि टू इन दोनों में कॉमन आ रहा था। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इफ़ ए इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड 7, इसके एलिमेंट्स हैं एक सेट आ गया, और बी जो है सेट उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8, इसके एलिमेंट्स और नंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम, पहले ए सेट लिखा इंटरसेक्शन साइन एंड देन बी सेट, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास आ गया इसका, इसकी इंटरसेक्शन आ गई एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने जस्ट कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखने, ठीक है। अब हमने एक टर्म, एक डेफिनेशन पढ़नी है जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन में यूज़ होनी है, ये है यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन रीड कर रही हूँ, द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल यू, ठीक है। ये यूनियन का साइन है, ये कैपिटल यू है, ठीक है। इसके साथ मैंने छोटी सी उसकी यू शो करने के लिए छोटी सी टेल भी बना रही है। जो यूनियन का साइन होता है वो ऊपर से एक्सपेंडेड होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है, ऊपर से एक्सपेंडेड होता है। सो अब यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा सेट जो होता है गिवन और उसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेट दिया होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, और वो शो भी कर देगा कैपिटल यू के साथ कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ए, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश, ए के ऊपर छोटी सी डैश, और ए के ऊपर छोटा सा सी। इन दोनों टर्म्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सेट के ऊपर छोटी सी डैश हो या छोटा सा सी लिखें तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि उस सेट में प्रेजेंट नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, निकाल देना है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट आ जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू माइनस ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू यू माइनस ए। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक सेट दे दिया है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, और जो दूसरे सेट होंगे वो उसके सबसेट्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए करेंगे, तो मैंने लिखा पूरा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ठीक है। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। हमने इसमें से निकालने हैं ए सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 4 तक, वो हमने इसमें से निकाल दिए। बाकी रह गए हमारे पास 5 से लेके 8 तक एलिमेंट्स, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए और ऊपर छोटा सा सी एंड सेट के अंदर 5 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स, ठीक है। दोबारा से देखें हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमने उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनियन मीन्स इकट्ठा करना, एक ए सेट है और एक ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। ऊपर वाले एग्जांपल देख लें, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 5, 6, 7, 8 और ए सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4। जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी उसने बताई है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो जब हम देखते हैं
ये 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास वही सेट दोबारा से आ जाता है, ए सेट आ जाता है। ठीक है, अब ये ए कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ था हमने, इसका इसके एलिमेंट्स आए 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, अगर इसको हम लोग दोबारा से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें तो देखो ये सारे 4 एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास दोबारा से 1, 2, 3 एंड 4 ही बच जाएगा। ठीक है, जो कि ए सेट है, तो यही प्रॉपर्टी बताई हुई है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। कैसे आता है, एम्प्टी सेट में यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को निकालें, यानी कि कोई भी एलिमेंट ना निकालें तो यूनिवर्सल सेट ही आता है, तो यही बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है, जनरल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में भी यूज होंगी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ये आपका होमवर्क है, मैंने कुछ सेट्स दिए हैं आपने, ये 4 सेट्स दिए मैंने आपको, एक यूनिवर्सल सेट, सेट ए बी एंड सी। ठीक है, फाइंड, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करनी है आपने, आपको अगर समझ नहीं आती आपने पीछे एग्जांपल्स को देखते हुए इनको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर बी यूनियन सी फाइंड करना है आपने, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, उसके बाद जो तीनों सेट्स दिए हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यू माइनस ए करेंगे, यू माइनस बी करेंगे एंड यू माइनस सी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने ये खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय स्टूडेंट्स।